जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। तो प्रोफेसर अकबर, पिछले शो में आपने हमें हिंदुइज्म का जो है बेसिक ओवरव्यू दिया था। आपने स्कॉलर्स को कोट करके आपने एक एकेडमिक तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली आपने फ्रेमवर्क बताया कि हिंदुइज्म स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्योंकि आज हिंदुइज्म जब हम बात करते हैं लोगों का अंडरस्टैंडिंग कुछ और होता है, तीन चार चीजों को मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपने पिछले शो में उसको बहुत ही फिलोसफी के मेथड में जो है आपने उसको डिवाइड कर दी, बहुत सारे वर्ल्ड व्यूज दिखाए, सॉरी हिंदुइज्म में बहुत सारे क्लास ऑफ थॉट्स दिखाए थे, स्कूल ऑफ थॉट्स दिखाए थे। उसमें से आपने एक नास्तिक ग्रुप के बारे में भी बात किया था, और आई एम श्योर सभी लोग बात को मानते होंगे कि जब भी कोई रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं उसका मेन फाउंडेशन होता है उसका टेक्स्ट। तो क्या आज आप इस टॉपिक पर थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई और चीजें हैं आप शेयर करना चाहते हैं? फुल टाइम आपके लिए, पहले ब्रेक, सो प्लीज वेलकम। पिछली बार जो मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी मजहब को समझने के लिए उसका टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है और उनके आइडियोलॉजीज को जानना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी रिलीजन को उसके जो मानने वालों का बर्ताव से उस रिलीजन का अंदाजा नहीं कर सकते। मतलब अगर समझो हिंदुइज्म को समझना है तो हिंदूज को देखकर आप हिंदुइज्म को नहीं समझोगे, क्योंकि हर मजहब में गलत करने वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मगर ये गलत और अच्छे लोगों से आपको कोई मजहब या धर्म के बारे में पता नहीं चलेगा। हर धर्म को जानने के लिए, उसकी आइडियोलॉजी जानने के लिए उनके टेक्स्ट पर जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो। वैसे ही हिंदुइज्म के बारे में लोग कितना क्या कह रहे हैं और लोग जो भी कह रहे हैं, क्या वो अपने टेक्स्ट पर आधारित है, हिस्ट्री पर आधारित है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना काल्पनिक है, कितने चीजों के लिए सबूती तौर पर क्या सबूत पेश कर सकते हैं, इन सारे बातों को देखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग हवे में महल नहीं बना सकते और ख्याली पुलाव नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे कुछ वीडियोस में सुना होगा, मैं बार बार ये नाम लिया था पिछले बार भी और मेरे कुछ वीडियोस में भी, मैंने एक स्कॉलर का नाम लिया था, दया कृष्णा ने उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है अ काउंटर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी का एक काउंटर पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने। उसकी वो किताब की शुरुआत में एक अच्छे से बात कहते हैं, उनका जो पहला टॉपिक है थ्री मिथ्स अबाउट इंडियन फिलॉसफी, ये चैप्टर में वो क्या कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी लाइक इंडियन कल्चर सीम्स पेक्यूलियरली प्रोन टू अराउज आइदर वायोलेंट एंटीपैथी और फर्वेंट एंथुजियाज्म, रेयरली डज इट engender an attitude which tries to present and assess it coolly and calmly without positive or negative emotion। मतलब जब भी हम लोग देखते हैं इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ने के लिए, या तो कोई बहुत ही जोश में आकर अग्रेसिवली वो क्या कहते हैं चैंटिंग करते हैं, जपते हैं या अग्रेसिवली बोल देते हैं वो हिंदुइज्म ऐसा है वैसा है, नारा लगा देते। कुछ लोग बहुत ही ओवर एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग बहुत ही खिलाफ होते हैं, मगर दया कृष्णा क्या कहते हैं कि कोई भी मजहब को समझने के लिए पहले तुम्हारी इमोशन को बाजू रखो, आपके पर्सनल इमोशंस को बाजू रखकर आखिर में ये क्या कह रहा है वो देखा करो, आखिर में इसका मतलब क्या है। तो ये दया कृष्णा बात कहते हैं, पहला पैराग्राफ में ही वो बात कहते हैं, और आगे जाके वो ये बात भी कहते हैं कि इट सीम्स टू मी दैट द टाइम हैज कम टू क्वेश्चन द ट्रेडिशनल पिक्चर इटसेल्फ। मतलब ऐसा वक्त आ गया है कि जो कोई एक स्ट्रक्चर बन गया है दिमाग में, लोगों के दिमाग में एक जो स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने का वक्त आ गया है वो कहते हैं। और आगे वो कहते हैं येट ट्रेडिशनल पिक्चर टू रेज डाउट्स अबाउट द इंड्यूबिटेबल टू इन्वेस्टिगेट द सैक्रोसेंट एंड द सेल्फ एविडेंट।
myths have always masqueraded as facts, and many a time the emperor's nudity has only been discovered by a child's disingenuity. मतलब यहां पर वो एक कहानी के बारे में बताते हैं. एक राजा था, राजा को किसी ने बताया कि आप ये कपड़े पहनोगे या ये मतलब ये कोई मंत्र पढ़ोगे, आप नेकेड रह के भी किसी को भी तुम, अगर आप नंगे होकर बाहर जाओगे तो किसी को नहीं दिखोगे. तो ऐसा सब लोग ने प्रिटेंड किया कि राजा नहीं दिख रहे हैं, मगर एक छोटा बच्चा देखा, राजा तो नंगा है. छोटा बच्चा जो है उसका एक एटीट्यूड होता है, उसको इमोशंस नहीं होते हैं, सही गलत का अंदाजा नहीं होता है, जो सामने दिखता है वो कहता है. तो दया कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे एटीट्यूड अगर हम रखते हैं और कोई भी टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं उसी जहन से या उसी रीति से, हम कोई भी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं. और वो ये बात कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, हमारे सामने ऐसा महल बनाया गया है कि उसकी सच क्या है झूठ क्या है किसी को पता नहीं, और उसके ऊपर सवाल उठाने नहीं देते. तो दया कृष्ण कहते हैं कि इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है. तो इन बातों पर वो जब वैदिक टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो है जो श्रुति के नीचे आते हैं. पिछले बार मैंने बताया श्रुति क्या है, स्मृति क्या है. श्रुति के नीचे वेद आता है, फिर उपनिषद आता है, और स्मृति के नीचे बहुत सारे दूसरे स्क्रिप्चर्स आते हैं. तो जब वेद के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि दी अदर सच कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि मैं पेज नंबर 15 से पढ़ रहा हूं, शायद पेज नंबर 15 है, नहीं पेज नंबर 7 दया कृष्ण के किताब से मैं सातवां पेज पे पढ़ रहा हूं, इंडियन फिलॉसफी अ काउंटर पर्सपेक्टिव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1991, ये किताब से मैं पढ़ रहा हूं. वो क्या कहते हैं, The other such characterization is in terms of authority. Almost invariably, each writer on Indian philosophy begins his account by drawing a distinction between orthodox and unorthodox schools of Indian philosophy. This distinction is drawn in terms of their acceptance or non-acceptance of the authority of the Vedas. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी इंडियन फिलॉसफी के किताब को लो, जैसे कि मैंने पिछले बार कुछ किताबों को कोट किया, फेमसली जो इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, जड़ुनाथ सिन्हा ने 3 वॉल्यूम लिखा है बहुत बड़े वाले, डीएन दास गुप्ता ने 5 वॉल्यूम लिखा है, और मैक्स म्यूलर ने लिखा है, डॉसेन ने लिखा है, काफी सारे लोगों ने इंडियन फिलॉसफी के बारे में लिखा है, चंद्रधर शर्मा ने लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी लिखा है. जब भी आप एक किताब को पिकअप करते हो, हर एक ऑथर क्या करते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में या हिंदू फिलॉसफी में 2 भागों को करते हैं, एक जो है अस्तिका, दूसरा जो है नास्तिका. अस्तिका जो है उनके लिए अथॉरिटी क्या है, वेद है. नास्तिका जो है, जिसको हम नास्तिका कहते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चार्वाका है, इनके लिए वेद कोई मायने नहीं रखता. तो पहले दया कृष्ण ये सवाल करते हैं कि जब आपने ये 2 भागों को किया है और ये 6 भागों को आपने लिया है, इनके लिए वेद जो है अथॉरिटी कहा है आपने, अथॉरिटी का मतलब क्या है, मतलब किस हिसाब से ये अथॉरिटी को हम माने, मतलब अथॉरिटी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी से क्या समझना चाहिए, वो सवाल करते हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेदास एज एन अथॉरिटेटिव बेसिस फॉर वंस फिलोसॉफिकल सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ.
तो ये सवाल वो करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि द अथॉरिटेटिव वेदास देमसेल्स वर ओरिजिनली थॉट टू बी ओनली थ्री इन नंबर लेटर द अथॉरिटी ऑफ द फोर्थ वेदा बिगैन टू बी एक्सेप्टेड इन एनी केस द वेदास इट शुड बी रिमेंबर्ड वर ऑलवेज प्लूरल इन नंबर और काफी सारे बातों को वो बताते हैं मगर वो ये भी कहते हैं कि आपने छह सिस्टम्स को मतलब इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम को जो छह जैसे कि न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये जो छह सिस्टम्स है आपने बाजू रखा और ये तीन सिस्टम को अलग किया तो मगर इसमें कुछ ऐसे भी है जैसे कि मीमांसा फॉर एग्जांपल डज नॉट ओनली डिनाई द उपनिषद्स द प्रिविलेज ऑफ बीइंग काउंटेड अमंग द कॉर्पस ऑफ वैदिक अथॉरिटी बट ऑल्सो कंटेंस दैट एनी अटरेंस विच इज नॉट अ प्योर इंजंक्शन दैट इज आइदर अ कमांड और अ प्रोहिबिशन इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ वेद जब लोगों ने उपनिषद को भी श्रुति के नीचे जमा दिया है तो मीमांसा कहता है कि ये उपनिषद क्या है जो कुछ भी वेद नहीं है इसको हम रिगार्ड नहीं कर सकते इसको रिजेक्ट कर दो तो मीमांसा जो है उपनिषद को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसके बारे में मैं आगे बहुत कुछ कहना चाहूंगा कि जब हम लोग दया कृष्णा के वैदिक कॉर्पस के बारे में देखते हैं यही किताब में एक चैप्टर है वैदिक कॉर्पस आपको वो आर्टिकल में दया कृष्णा क्या कहते हैं कि जब आप लोग कहते हो कि चार वेद हैं चार वेद मतलब ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चार वेद हैं लोगों ने समझ लिया कि ये अथॉरिटेटिव है और उन लोगों ने दया कृष्ण एक अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं एक्सियोमेटिकली मतलब बिना कोई सवाल किए हुए उसको ऐसे ही उन्होंने मान लिया कि अथॉरिटी है मगर ये अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है और वो आगे जाके वो क्या कहते हैं कि जब हम सामवेदा की बात करते हैं सामवेदा जो है वो उसको एक अलग दर्जा और किताब का एक स्वरूप दिया गया है मगर जन गोंडा को कोट करते हुए दया कृष्णा कहते हैं कि हिंदू स्कॉलर्स कंसिडर दैट सामवेदा इज अ सेपरेट वेदा ऑल टुगेदर बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज नॉट वो नहीं सामवेदा जो है वो एक अलग वेदा का दर्जा क्यों दिया आपने जैन गुंडा करके एक महान विद्वान है क्या मैंने इनका नाम लिया था पिछले बार जितना मुझे याद है नहीं उन्होंने एक किताब लिखा है वॉल्यूम्स लिखे हैं अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर और खास तौर पर वैदिक लिटरेचर पर उन्होंने काम किया वो ये कहते हैं कि जैसे कि वो उन्होंने काफी सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स को लिखा है संस्कृत पर और उन्होंने बेहतरीन काम किया है और वो एक डच इंडोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा कि जब उनके हिसाब से जो वैदिक लिटरेचर पर उन्होंने काम किया वो कहते हैं उनके पहले वॉल्यूम नंबर 1 में जैनगोंडा कहते हैं अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वो सामवेदा के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ सामवेदा डज नॉट हैव एनी सेपरेट मंत्रास ऑफ इट्स ओन एंड येट इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट वेदा इन इट्स ओन राइट तो वो क्या कह रहे हैं कि फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ सामवेदा मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट में सामवेदा में जो स्टैंजास है वो सामवेदा के नहीं है मगर ऋग्वेदा के हैं डज नॉट हैव एनी सेपरेट मंत्रास ऑफ इट्स ओन एंड येट इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट वेदा इन इट्स ओन राइट और जैनगोंडा कहते हैं Only 76 stanzas out of 1810, मतलब 1810 stanzas में से सिर्फ 76
76 स्टैंजास जो है, स्टैंजास को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्तियां कह सकते हो आप, या स्टेटमेंट्स कह सकते हो। सिर्फ 76 जो है वो नए हैं या खुद के हैं, मगर बाकी सारे जो जो स्टैंजास है या लाइंस है वो सब ऋग्वेदा से हैं। तो आगे जाके दयाकृष्ण कहते हैं कि अगर समझो हम अरण्य कांडा को भी इसमें शामिल करते हैं, अरण्य कांडा में 55 स्टैंजास है, अगर उसको भी हम लेते हैं तो वो जो परसेंटेज है वो और गिरेगा। मतलब सिर्फ 4%, सिर्फ 4% जो है वो नया है सामवेदा में, बाकी 96% जो है वो ऋग्वेद का स्टेटमेंट्स को लिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? सामवेदा जो है 96% उसके अंदर जितने भी है वो ऋग्वेद से लिया गया है, सिर्फ 4% उसके खुद के हैं। आगे वो सायानों को कोट करते हुए वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रघुवीरा एडिशन ऑफ वर्क, रघुवीरा को कोट करते हुए वो ये कहते हैं द जैमिनी संहिता ऑफ द सामवेदा हैज 1678 स्टैंजास। मतलब 1678 स्टैंजास है, बट डू यू नो दैट एक्सेप्ट सिर्फ 48 स्टैंजास, ऑल द रिमेनिंग वंस आर फ्रॉम ऋग्वेदा। मतलब सिर्फ उसमें से 48 को क्या कहते हैं, 48 स्टैंजास ऋग्वेदा के हैं, बाकी सब जो है सॉरी 48 जो है वो खुद के हैं, बाकी सब जो है ऋग्वेद से लिए हैं। तो परसेंटेज अभी भी गिर गया, अभी सिर्फ 93% जो है जो सामवेदा में है वो ऋग्वेदा से लिया गया है, सिर्फ 3% जो है सामवेदा का खुद का है। अब आप मुझे बताइए, दयाकृष्ण कहते हैं कि जब इतना 3%, 4% ही अलग है, बाकी सब ऋग्वेदा से लिया गया है, तो इसको जब हम देखते हैं इतना सब कुछ लेकर इसमें डाल दिया, इसको अलग किताब बना दिया आपने, तो इसको दैविक कैसे मान ले हमें? क्योंकि जब आप इतने ऐसे रीति से एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने या मुनि ने चुरा लिया है या इन बातों को ले लिया है और अपने किताब में डाल दिया हो या ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो दयाकृष्ण कहते हैं कि एक बात, उनका खुद का जो वर्ड है वो मैं पढ़ के बताता हूं। If a text is altered, borrowed entirely or partially, then it loses its sacrosanct character. In other words, it cannot be considered as holy. मतलब वो दयाकृष्ण ये कहते हैं कि अगर इतना एक ऋषि या मुनि जो भी है दूसरे से इतना 97% लेते हैं और उसको वो किताब को दूसरा दर्जा देते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम इसको एक अलग ही दैविक किताब मान सकते हैं क्या, या इसको एक प्रकाशन मान सकते हैं क्या? वो कहते हैं क्योंकि सिर्फ 3% ही अलग है, बाकी 97% ऋग्वेद से लिया है, तो ये उनका सवाल है। तो आगे जाके वो ये हुई बात सामवेदा की। अब बात आई यजुर्वेदा की। यजुर्वेदा के बारे में दयाकृष्ण ये कहते हैं, यजुर्वेदा इज नॉट वन वेदा, विद इन यजुर्वेदा यू हैव टू डिफरेंट वेदास, शुक्ल यजुर्वेदा कृष्ण यजुर्वेदा, दे आर नॉट टू शाखास, दे देमसेल्व्स हैव शाखास। मतलब हर एक वेद में अलग अलग शाखाएं होती हैं, मगर दयाकृष्ण कहते हैं जब आप यजुर्वेदा के पास आते हो, यजुर्वेदा अगर एक किताब होता तो उसके अंदर शाखाएं होते हैं, मगर ऐसा नहीं, यजुर्वेदा के अंदर दो अलग किताबें हैं, एक शुक्ल यजुर्वेदा और एक कृष्ण यजुर्वेदा, इनके अंदर अलग अलग शाखाएं हैं। और बात वहां पर ही नहीं होती है, आगे जाके कहते हैं अकॉर्डिंग टू जानगोंडा, दोबारा वो जानगोंडा का नाम लेते हैं, और द वजसनीय संहिता
ऑफ द शुक्ल यजुर्वेदा बोरोस हाफ ऑफ इट्स मटेरियल फ्रॉम ऋग्वेदा, मतलब आधा हिस्सा जो है ये जो यजुर्वेदा का वो आपने ऋग्वेदा से लिया है। आगे द यजुर्वेदा इटसेल्फ इज सपोज टू हैव 101 शाखास, मतलब यजुर्वेदा में 101 शाखास होना चाहिए। द सामवेदा द सामवेदा 1000, द अथर्ववेदा 9 एंड ऋग्वेदा 21। द वर्क्स ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस शाखास आर नॉट अवेलेबल टू टुडे, मतलब जितने सारे शाखास होने चाहिए थे वो आज मौजूद नहीं है। बट द वेरी फैक्ट दैट सच वॉज द ओपिनियन, वो आगे जाके कहते हैं कि यजुर्वेदा में इतना सारा ऋग्वेद से ऑलरेडी लिया है। अब बात वो करते हैं ऋग्वेदा की, ऋग्वेदा की जब बात आती है वो ये कहते हैं, वो एक स्कॉलर को कोट करते हैं, मोरिस ब्लूमफील्ड। मोरिस ब्लूमफील्ड जो है उन्होंने एक किताब, खास एक किताब लिखा है जिसका नाम है द ऋग्वेदा रिपीटेशंस, द ऋग्वेदा रिपीटेशंस, ये पूरा एक किताब उन्होंने लिखा है। और दयाकृष्ण कहते हैं उसमें ये कहते हैं, ऑन द वे इन विच द पोएट्स ऑफ ऋग्वेदा एक्सरसाइज्ड देयर आर्ट, मतलब ऋग्वेदा के जो पोएट्स हैं, पोएट्स कवि, कवियों जो कवि जो है उन्होंने अपनी कला को इस तरह प्रदर्शन किया है, बाय स्टडीइंग द मैनर एंड एक्सटेंट टू विच दे बोरोड फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से वचनों को ले लिया है, इमिटेटेड वन अनदर, मतलब एक दूसरे की नकल की है, एंड एज इट वर स्टूड अपॉन द शोल्डर्स ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो खड़े रहे। और दयाकृष्ण कहते हैं, इवन अ कर्सरी ग्लांस एट ब्लूमफील्ड्स ऋग्वेदा रिपीटेशंस वुड शो द एनॉर्मिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस रिपीटेशंस एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दे पोज फॉर एनी सीरियस स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब दयाकृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भी ये ब्लूमफील्ड की, मोरिस ब्लूमफील्ड की किताब को पढ़े, कोई भी सीरियस स्टूडेंट हो उसको दिखाई देगा कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और वो कहते हैं, इट इज नॉट ओनली दैट, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मंत्रास फ्रॉम द ऋग्वेदा आर रिपीटेड इन अदर वेदास, बट दैट देर आर सब्सटेंटिव रिपीटेशंस इन ऋग्वेदा इटसेल्फ, मतलब ऋग्वेदा के खुद में ही बहुत सारे रिपीटेशंस है। और दयाकृष्ण कहते हैं कि अगर बट इफ दिस वॉज द रिलेशन ऑफ वन वेदिक ऋषि टू अनदर, हाउ कैन दैट रिलेशनशिप बी अंडरस्टूड आइदर इन टर्म्स ऑफ अपारुषेयत्व और रेवलेशन और इवन इन टर्म्स ऑफ द यूजुअल नोशन ऑफ वेदिक अथॉरिटी, मतलब दयाकृष्ण कहते हैं कि अगर एक ऋषि दूसरे ऋषि से ले रहा है, अपने में जोड़ रहा है और रिपीट कर रहा है, और उसी में ही इतना रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम अपारुषेयत्व या प्रकाशन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंसानों के हाथ इतने लगे हुए हैं और सब यहां वहां से उठाकर एक किताब बना दिया, फिर इसमें से ही दूसरे जगह पर डालकर उसको एक किताब बना लिया है। और ऋग्वेदा में ही खुद वो वर्सेस को आपने बहुत सारे बार रिपीटिशन किया है, इतना रिपीटिशन कर करके आपने जब वेद को, ये सब बातें बहुत सारे हिंदू भाई बहनों को पता नहीं, ठीक है। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रहा है, आप जाइए और दयाकृष्ण की किताब को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन में फ्रीली अवेलेबल है, ये फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए। दयाकृष्ण जो है वो ICPR इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च के 30 साल के एडिटर रह चुके हैं वो, तो मैं जब कोट कर रहा हूं ये कोई क्रिश्चियन राइटर से कोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नॉन क्रिश्चियन ऑथर को कोट कर रहा हूं, मैं आप जाके पढ़ सकते हैं। तो दयाकृष्ण ये बात कहते हैं, और जब वो अथर्ववेद की बात करते हैं,
अथर्ववेद की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दोबारा वो जैन गोंडा को कोट करते हुए वो ये कहते हैं कि ऑल्दो द डॉक्ट्रिन ऑफ द फोर फोल्ड वेद फाउंड एक्सेप्टेंस वेरियस लेटर टेक्स्ट कंटिन्यूड स्पीकिंग ऑफ द थ्री फोल्ड होली नॉलेज। मतलब ये चौथा किताब अथर्ववेद होने के बावजूद भी लोग सिर्फ तीन को ही भाव देने लगे, सिर्फ तीन को ही वो दर्जा दिए हैं और वो कहते हैं कि ये तीन को ही इतना एक्सेप्ट किया है, चौथे को जो अथर्ववेद है उसको वो स्टेटस कभी दिया नहीं गया, उसको कभी भी वो ओमिट भी कर देते। तो जैन गोंडा कहते हैं कि इवन इन मॉडर्न टाइम्स देर हैव बीन ब्राह्मिन्स हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द प्रोमुलगेटर्स ऑफ द फोर्थ वेदा। मतलब आज भी ब्राह्मण ऐसे हैं जो अथर्ववेदा को वेद मानते ही नहीं। अच्छा, आगे जैन गोंडा ये बात कहते हैं, बिकॉज ऑफ अ सर्टन प्रेजुडिस प्रिवेलिंग अगेंस्ट इट Even today, Brahmins of the other Vedas do not dine or marry with the Atharvanik of Orissa. मतलब ओरिसा में कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो अथर्ववेद मानने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके साथ बैठना, खाना खाना या उन दोनों के फैमिलीज में रिश्ता या संबंध को जोड़ना, ऐसे कामों को हरगिज़ नहीं करते। तो जब मैं सीडी शर्मा का किताब पढ़ रहा था, वो पेज नंबर 14 पर वो इंडियन फिलॉसफी क्रिटिकल सर्वे पर लिखते हैं, समटाइम्स द वेदास आर रिफर टू ओनली एज त्रयी ओमिटिंग द अथर्व वेदा कहते हैं। मतलब वो चौथे को निकाल ही दिया है। द अथर्व वेदा इट्सेल्फ इज सपोज टू हैव टेकन होल सेक्शंस ऑफ ऋग्वेदा। अथर्व वेदा में भी पूरे पूरे के पूरे सेक्शंस जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। जैन गोंडा कहते हैं ये बात। तो ये बात हुई। अब हमने सामवेद से शुरुआत किया है, फिर हमने यजुर्वेद की बात की है, ऋग्वेद की बात की है और अथर्ववेद की बात की है। ये चार वेद के वेदों के बारे में जब हमने बात किया है और इतना सब कुछ हो रहा है, मगर जब हम कुछ लोगों को सुनते हैं वेद जो है वो ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा चढ़ा के बात करते हैं मगर उसके अंदर क्या है कोई बात नहीं करता है, किसी को आता भी नहीं। इनफैक्ट जब वो वेद की बात करते हैं कुछ साबित करने के लिए, मतलब इंटरनल एविडेंस को ही, जो वेरीफाइड नहीं है अनवेरीफाइड इंटरनल एविडेंस को ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो वेदों में ये लिखा है वो लिखा है, इतना मिलियन इयर्स पुराना है। हाँ, कहां से आया भाई आपको, कौन सा डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास कि डेटिंग। मैंने पिछले बार डेटिंग के बारे में बताया, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ज्यादा से ज्यादा 500 BC, तुम ज्यादा लिबरल बनोगे 900 BC, अगर तुम बहुत ही उधारता दिखा रहे हो 1500 BC देते हैं, उससे आगे कोई गया नहीं, मिलियन क्योंकि उनका मिलियन ईयर्स पुराना, तुम्हारे पास वो किताब कैसे आएगा, इतना पुराना किताब कैसे बचा के रखोगे। और बात ये है स्कॉलर्स का एस्टिमेशन जो है, मैंने पिछले बार बताया था कि बौद्ध बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा जो है, उनका जो वो जिस समय में वो जिंदा थे और मर चुके हैं, उनकी फिलॉसफी से या उनका जो क्रिटिसिज्म से अंदाजा लगाते हैं शायद उनसे पहले सिर्फ ये ही थे। क्योंकि बुद्धा ने इनके बारे में नहीं बात किया, शायद ये फिलोसॉफिकल सिस्टम्स बाद में आए होंगे, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। मगर निश्चित रूप से कोई फिलोसोफर आपको डेटिंग नहीं दे सकता। अगर कोई देने का दावा कर रहा है वो प्रूफ लेके आइए और हमें बताइए कि आप कहां से लेके आए। और दूसरी बात है, एक ये जो प्रॉब्लम्स है वो है, मगर और एक बात है, जो ये जो चार वेद है ये किसको दिया गया है। ऋग्वेदा जो है वो होटा को दिया गया है, एक तरह का रिचुअल को
मतलब समझो वो एक रिचुअल कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या बलि चढ़ा रहे हैं, तो ऋग्वेदा होटा को दिया गया है, सामवेदा उद्गता को दिया गया है, यजुर्वेदा आद्वर्यु को दिया गया है, अथर्ववेदा एक ब्राह्मणा को दिया गया है, अलग अलग फंक्शंस करने के लिए एक रिचुअल। रिचुअल मतलब क्या, रिचुअल को क्या कहते हैं, रीति रिवाज या यज्ञ को करना हो या सैक्रिफाइस देना हो, बलि चढ़ाना हो या कोई भी काम करने के लिए, एक व्यक्ति गाएगा, एक व्यक्ति मंत्र पढ़ेगा, एक व्यक्ति ऐसा करेगा, तो ये चार वेद अलग अलग लोगों को दिया गया है। अगर वेद ब्राह्मण को दिया गया है तो फिर वेद दूसरों के लिए नहीं है, ये मेरा सवाल है। तो वेद दूसरों के लिए नहीं है तो वेद सिर्फ ब्राह्मण के लिए दिया गया है, ये और एक क्वेश्चन है। तो हाउ आर वी डूइंग विद द टाइम? यस, 30 मिनट्स हो गए आई थिंक, और 5-10 मिनट्स ले सकते हैं आई थिंक सो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये वेद की बात हो गई है। अगर हम लोग आगे जाके देखते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट उपनिषद्स, उपनिषद्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दया कृष्ण कहते हैं कि उपनिषद जो है वो इतने लंबे समय तक लिखते गए जोड़ते गए, उसका कोई क्लोजर ही नहीं था, मतलब कोई एंड डेट ही नहीं था। तो ऐसे आप लिख रहे हो जोड़ रहे हो, तो कोई भी लिख रहा है जोड़ रहा है, और ये भी ओरिजिनल है बोल रहे हैं। तो इसके वजह से मीमांसा के लोग कहते हैं कि ये उपनिषद को जो है हम वेद के समान में कभी उसको वो दर्जा नहीं देंगे, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और इतना होने के बावजूद भी जैसे कि मैंने पिछले बार बताया कि सांख्य फिलॉसफी जो लोग कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी के लोग कहते हैं कि सांख्य फिलॉसफी के लिए वेद जो है वो बुनियाद है जैसे दूसरे के लिए, ये गलत बात है। क्योंकि सांख्य फिलॉसफी जो है वो पहली बात तो वो एथिस्टिक सिस्टम है। अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो रामकृष्ण पुलिगंडला के किताब को पढ़ते हो, पेज नंबर 139, वो कहते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैदिक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन सांख्य, कपिला इज द फाउंडर ऑफ सांख्य ट्रेडिशन, कपिला टीचेस दैट नॉट ओनली दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैनॉट बी प्रूव्ड बट ऑल्सो दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर परमेश्वर की मौजूद, वो कहते हैं कि सांख्य ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन है। वो ये दावा करते हैं कि गॉड परमेश्वर की उपस्थिति को साबित किया नहीं जा सकता, ये अलग बात है, मगर वो ये दावा करते हैं कि वो है ही नहीं, तो वेद कहां से आया फिर? ठीक है। और वैशेषिका सिस्टम को भी एथिस्टिक सिस्टम माना जाता है, क्योंकि वैशेषिका के किताबों में ईश्वरा नाम का कोई नाम ही नहीं है, और वो शब्द जो प्रमाण है, शब्द प्रमाण है उसको नकारता है। शब्द प्रमाण मतलब एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब मैंने इनको बताया कुछ बातों को तो इन्होंने सुना, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने बातों को टेस्टिफाई करने से ज्ञान मिलता है। ये कुछ सिस्टम्स में माना जाता था कि ज्ञान के लिए ये बताना जरूरी है। जब वैशेषिक ट्रेडिशन इसको निकाल देता है तो वेद एक से लेकर दूसरे तक कैसे पहुंचा? क्योंकि पहले जमाने में तो शब्द मतलब पहले जमाने में लिखने का कोई सामग्री नहीं था, या किस पे लिखने के लिए नहीं था, ये ओरल ट्रेडिशन था, तो हम यकीन ही नहीं सकते। सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता जो 5 वॉल्यूम ऑफ इंडियन फिलॉसफी लिखते हैं, वो मीमांसा के बारे में
मैंने सांख्या के बारे में बात किया, वैशेषिका के बारे में बात किया, अब मैं मीमांसा ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा हूं। मीमांसा ट्रेडिशन रिजेक्ट्स उपनिषद्स एज पार्ट ऑफ वेदास। मीमांसा डज नॉट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी गॉड एज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मीमांसा ट्रेडिशन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का कोई दावा नहीं करता। मीमांसा डज नॉट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी गॉड, मतलब कोई परमेश्वर है ऐसा कोई दावा नहीं करता। एज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को बनाया है और वो सबका नाश भी कर सकता है, ऐसा कोई परमेश्वर के बारे में बात किया ही नहीं। अब आप लोग जो इंडियन फिलॉसफी में कहते हैं छह सिस्टम्स है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता, इनमें से तीन जो है हमने देखा है नास्तिक है, मगर ये वेद पर आधारित है। अब बचे क्या है, वेदांता है, योगा है, और दूसरा कौन सा, मैंने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग एंड चार्वाक नहीं, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। मैंने सांख्या के बारे में बताया और वैशेषिका के बारे में बताया, मीमांसा के बारे में बताया, अभी बाकी क्या है, न्याय है, वेदांता है और योगा फिलॉसफी है। तो अभी बात हुई ये बाकी के तीन जो नास्तिक हो गए मगर वेद पर आधारित है। तो मगर वेदांता में भी प्रॉब्लम ऐसी है कि एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा वेदांता में। वेदांता में ऐसा है कि जब शंकराचार्य अद्वैता वेदांता के बारे में बात किया था, जब मध्वाचार्य ने उनको कहा कि ये लोग जो है एक मिनट मैं वो हाँ मध्वाचार्य इतना क्रिटिसाइज किया है शंकराचार्य को, वो कहते हैं कि ये डिसीटफुल डीमंस है। डिसीटफुल डीमंस मतलब धोखा देने वाले भूत हैं। कौन कहते हैं, मध्वाचार्य कहते हैं किनको, शंकराचार्य को, जो अद्वैत वेदांत सिखाते हैं। अब बात यह है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो ये कह रहे थे, मध्वाचार्य ये कह रहे थे कि ये शंकराचार्य जो है वो बुद्धिज्म को दूसरे शक्ल में पेश कर रहे हैं लोगों को, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ। ऐसा जब मैं बताते जाऊंगा हर एक विद इन इंडियन फिलॉसफी में इतने सारे एक दूसरे के विरोध हैं। अब आप मुझे बताइए वेद और फिलोसॉफिकल सिस्टम्स और इन सारे बातों में दैविकता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बाकी सारे जो सब है उसको माना जाता है स्मृति। स्मृति जो है श्रुति पर आधारित है, मगर आपका श्रुति के फाउंडेशंस ही इतने हल्के हैं, तो किस पर आप आधारित करोगे? और बाकी सारे लोग कहते हैं जब हम स्मृति के किताबों को लेते हैं, जब देवी देवताओं के बारे में कहते हैं, और हम लोग जब कोई सवाल उठाता है कि ये ऐसे घिनौने हरकतें कैसे कर सकते हैं, जैसे कि समझो इंद्रा आते हैं और गौतमा के बीवी के पास जाते हैं, जब गौतमा अपने रिचुअल्स के लिए बाहर जाते हैं, उनके स्वरूप में आते हैं इंद्रा और उनके पत्नी को रेप करते हैं। गौतमा को पता चलता है जब वो वापस आते हैं और कहते हैं कि ये क्या किया आपने, और गौतमा इंद्रा को श्राप देते हैं, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जब हम पूछते हैं लोगों को कि भाई ये भगवानों का किस्सा क्या है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये ऐतिहासिक नहीं है, ये काल्पनिक है। पहली बात, आपके जो बुनियादी जो श्रुति है उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है। जब आप स्मृति की बात कर रहे हो ये काल्पनिक है, तो ठोस रीति से मैं परमेश्वर के बारे में कैसे जान सकता हूं?
हिंदुइज्म में। तो ये सवाल जो है ये आपके लिए है, और मैं जो कुछ भी कहा हूं मैं खुद के आधारित पे, खुद के ज्ञान से नहीं कहा, मैं जितने लोगों को कोट किया है उन्हीं के आधारित पे मैं कह रहा हूं। अगर आप इसको रिफ्यूट करना है आप उन्हें रिफ्यूट कीजिए, बहुत हो गया। सो आई कंक्लूड। यस, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट श्योर कि इतना डिटेल में आपको कभी भी जो है हिंदुइज्म के बारे में समझाया गया होगा। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं ना, एक खास एपिसोड है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, स्पेशली हिंदी बोलने वालों के लिए, क्योंकि इतना सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना और सिस्टमैटिक वे में अंडरस्टैंड करना उतना आसान नहीं है, और इतने शॉर्ट टाइम में वो भी प्रोफेसर अकबर ने आपको पेश किया है। क्यों किया है वो भी समझ लीजिए, वो इसीलिए नहीं कि आप जानकारी रखकर खुश हो जा रहे भैया सब कुछ ठीक है, हमारा बढ़िया है, तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका गॉस्पल जब आप शेयर करेंगे उस टाइम पे जब आर्ग्यूमेंट्स इंटेलेक्चुअल लेवल पर आर्ग्यूमेंट लाया जाता है, जैसे कि अपारुषेय के बारे में हम बात कर रहे थे, अपारुषेत्व यानी कि इटर्निटी, या फिर इसका कोई शुरुआत नहीं है, या फिर ये इतना साल पुराना है, वेद में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आप डायरेक्टली बाइबल के वचन को कोट करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, उनके वर्ल्ड व्यू में एक्चुअल में उनके स्कॉलर्स क्या कहते हैं वो बताने पर ही ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि मेरा वर्ल्ड व्यू इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फिलोसफिकल लेवल पर, लॉजिकल लेवल पर खड़े नहीं रहेगा। मगर भाई एक बात है कि आपके बाइबल में रिपीटेशन नहीं है क्या? ये भी सवाल है। आपके बाइबल में भी रिपीटेशन तो है, तो इसका कैसे जवाब दोगे आप? जैसे कि चार गॉस्पल में रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन है, पुराने नियम में क्रॉनिकल्स है, किंग्स है, और सैमुएल है, इसमें भी तो रिपीटेशन है, तो आप ऐसा कैसा बता सकते हो कि इधर रिपीटेशन है तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है, मगर आपके बाइबल में भी तो रिपीटेशन है? ये सवाल दे जवाब देखने के लिए नेक्स्ट वीक आते हैं जरूर।